कड़े मल को नर्म करके निकाले बाहर, पूरा पेट होगा साफ अगर आपने ये एक तरीका अपना लिया तो, वो भी रात को सोने से पहले। और वो तरीका कौन सा है जो आपकी नलियों में गंदा यानी बहुत ही पुराना जो है मल जमकर जमा हो जाता है, ये किन कारणों से होता है ऐसा, आइए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जाने, जब भी आप कोई चीज़ खाते हो तो वो आपके पेट से होकर आपकी जो है नलियों में जाती है, लेकिन नलियों में तरल पदार्थों की कमी होने के कारण ये देखिए आपकी नलियों में इस तरीके से ये जो है सख्त मल जो है जमा हो जाता है, और ये सख्त मल जो है आपके शरीर से निकल नहीं पाता है, और ना निकलने के कारण जो है ये एक कब्ज का रूप ले लेता है, अपचन का रूप ले लेता है। और अगर हम इस जो है मल को हम अपनी छोटी आंत या बड़ी आंत से नहीं निकालेंगे तो ये हमारे पेट में जो है जमा रहेगा, जमता ही जाएगा, और ये अनेकों बीमारियों का रूप ले लेगा। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी नलियों में या हमारे शरीर में तरल पदार्थों की यानी कि पानी से रिलेटेड पदार्थों की जब कमी हो जाती है, तब इस तरीके से हमारी नलियों में सख्त मल जो है जमने लग जाता है और ये सड़ने लग जाता है। इससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको जो है आपके पेट में जो है या आपकी नलियों में जो है गंदा मैल जमा हो सकता है, यहाँ पे आपको पेट दर्द की समस्या रह सकती है, इसके साथ साथ आपको बवासीर की समस्या होगी, या फिर ये देखिए अगर आपकी नलियों में सख्त से सख्त मल जो है जमा है तो ये क्या होगा, यहाँ से आपकी जो है ये नलियां है यहाँ पे कट भी लग सकते हैं, आपको भयंकर बीमारी हो सकती है। और अगर हमारे शरीर में तरल पदार्थों की कमी है तो शोध बताते हैं कि इससे हमारे शरीर में पित्त से रिलेटेड 40 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को लग सकती हैं, तो इन बीमारियों से आप जो है बच सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए ये हमारी नली है, मान लीजिए ये हमारी पेट की नली है, अगर इसके अंदर ये देखिए इस तरीके से पानी जाएगा, ये आप देखिए ध्यान से देखिए, ये जब इसके अंदर पानी जाएगा तो ये देखिए किस तरीके से ये जो है हमारा जो मल है यानी जो हमारा सख्त मल है वो किस तरीके से नरम होगा, और नरम होने के बाद ये देखिए किस तरीके से ये पानी के रूप में बहुत ही आसानी से बिना किसी दर्द के ये जो है हमारे शरीर से इस तरीके से निकल जाएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो कार्य करना है वो है आपका ये आप जो देख रहे हो ये है गिलोय का पाउडर। गिलोय में जो है एंटी ऑक्सीडेंट जो है गुण पाए जाते हैं, इनसे क्या होता है शरीर में अपच है या आपको कब्ज की समस्या है या फिर आपको मूत्र संबंधित समस्याएं हैं उनको ये जो है आपके शरीर से दूर रख सकता है, साथ ही साथ ये आपके वात पित्त कफ तीनों को नियंत्रित रखेगा और आपके शरीर से 80 प्रकार के रोगों को दूर करेगा। ये है गुड़ आपने सुना ही होगा कि पारंपरिक तरीके से यानी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है खाने के बाद अक्सर गुड़ खाया करते थे, क्योंकि इसके अंदर वो सभी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे शरीर के पाचन तंत्र को तेज करते हैं और हमारे शरीर का जो सख्त मल है उसको ये है बाहर शरीर से निकालने में जो है हमारी मदद करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको और इसको कूट कर एक फांकी बनाकर तैयार कर लेनी है और इसको जो है आपने जो है हल्के गुनगुने पानी के साथ रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने जो है इसको लेना है। इसको लेने से क्या होगा, आपने जो रात को खाना खाया है वो आपका जो है सख्त नहीं बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से तरल पदार्थ की तरह ये बन जाएगा आपका। दूसरा तरीका क्या करना है, अब आपने ये रात को कर लिया है, अब सुबह उठकर आपने गुनगुना पानी ये तांबे के लोटे में लेना है। गुनगुना पानी सही सभी पीते हैं पर इसका सही तरीका किसी को नहीं पता। आपने इस तरीके से उखड़ू बैठकर जो है हल्के हल्के एकदम ऐसे सिप कर करके आपने पानी को पीना है, क्योंकि इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज है कि ये हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को जो है आसानी से बाहर निकाल सकता है और इसके सेवन से आपका वजन भी कम होगा और ये हमारे मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। अब लास्ट काम आपने क्या करना है, ये है तेल, आपने तिल का तेल लेना है। इसके बाद पानी पीने के बाद आपने जो है तिल के तेल से अपने पेट की जो है इस तरीके से आपने पहले नाभि में जरा सा तेल डालना है, उसके बाद इस तेल से जो है आपने हल्के हल्के हाथों से जो है इस तरीके से आपने मालिश करनी है और ये देखिए आपने क्लॉकवाइज इस तरीके से आपने मालिश करनी है। मालिश से भी हमारा जो है कब्ज की समस्या जो हमारी ठीक होती है, इसकी वजह से हमारा गंदा मल जो है हमारे शरीर की नलियों से बाहर निकलता है और ये बहुत आसानी से बाहर निकलेगा। इसके बाद ये कार्य करने के बाद आप खुद देखोगे कि आपकी जो नलियां हैं उनमें जो सख्त मल है वो आपका कैसे नर्म होकर बाहर निकल जाएगा। और भी अगर आपको अपने पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो अपने आसपास के डॉक्टर से आप जरूर सलाह लें। धन्यवाद भाई, ये बात